साथियों को नमस्कार। साथियों, आप सबको पता है कि 22 जुलाई को हमने घोषणा करी थी दिल्ली में कि हरियाणा में हमारी दो बड़ी महापंचायतें होंगी राष्ट्रीय स्तर की। एक हमारी पहली महापंचायत कल है 15 सितंबर को उचाणा की नई अनाज मंडी अतिरिक्त अनाज मंडी में। उस महापंचायत की तैयारी पूरे जोर शोर से जारी है, तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। हरियाणा के भी तमाम जिलों से, तमाम गाँव से किसान बड़ी संख्या में आएंगे, पंजाब से भी बड़ी संख्या में आएंगे, पूरे देश भर से आ रहे हैं। आज अचानक से हरियाणा पुलिस की टीम आती है और वो ये नोटिस हमें थमा के जाती हैं कि भाई आप पंचायत नहीं कर सकते, आप अनुमति लीजिए। हमने उनको कहा कि जो ये कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है ये राजनेताओं के लिए है जो चुनाव लड़ रहे हैं, ये किसानों के लिए नहीं है। ये मंडी किसानों की है और किसान यहाँ अपनी पंचायत कर सकते हैं। हमारा एक दिन का कार्यक्रम है 10 से लेकर 4 बजे तक का, तो आप गैर जरूरी व्यवधान पैदा मत कीजिए, आप ये अव्यवस्था पैदा मत कीजिए। लेकिन उसके बाद उन्होंने जोर जबरदस्ती दिखाते हुए ये नोटिस उन्होंने दिए, हमारे साथियों को, मुझे भी दिया, सुनील भाई को भी दिया, अन्य साथियों को दिया। और उसके बाद वो लोग माइक वालों को, साउंड वालों को, टेंट वालों को जबरदस्ती थाने में बुलाते हैं और उनको धमकी देते हैं कि भाई अगर तुमने अपना टेंट का सामान लेके गए, माइक का सामान लेके गए, तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, हम सख्त कार्रवाई करेंगे, सामान भी जब्त कर लेंगे। साथियों, हम एक बात कहना चाह रहे हैं, हमारी अभी तमाम साथियों से बातचीत हुई अपने फोरम के, हम एक बात क्लियर कर दें कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, हमारे ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा सच लागू नहीं होता। जो लोग राजनीति कर रहे हैं, जो लोग वोट मांगते हैं, उनके ऊपर लागू है कोड ऑफ कंडक्ट, तो अनुमति तो उनको लेनी है। मंडी किसान की है तो हम वहाँ अपनी पंचायत शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते हैं और वहाँ करें भी गए। और प्रशासन को, हरियाणा सरकार को, भाजपा को एक बात ये भी कह देते हैं कि अगर इस देश के अन्नदाता किसान को पंचायत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, उसको रोका जाएगा, उसके ऊपर जुल्म ज्यादती करी जाएगी जैसे आपने पहले भी करी है, तो फिर आप ये याद रखना कि हमारी भी मजबूरी बनेगी। फिर जो बीजेपी की रैलियां होने वाली हैं, जो बीजेपी की पंचायतें मीटिंगें होने वाली हैं, हमारी भी मजबूरी बनेगी उनका विरोध करना, डट के विरोध करना। फिर आप ये देख लेना, आपको हर जगह पे अपनी पूरी फोर्स लेके इनको जाना पड़ेगा। फिर जब ये गांव में आएंगे तो हमारी भी मजबूरी बनेगी इनका विरोध करना। इस बात को सरकार ध्यान रख ले, भाजपा ध्यान रख ले कि अगर किसानों को पंचायत करने से रोका जाएगा तो फिर किसानों की भी मजबूरी बनेगी। फिर ये मत कहना कि कभी आप चुनाव आयोग में शिकायत करो जाके कि हमें गांव में नहीं जाने दिया जा रहा, हमें पंचायत नहीं करने दी जा रही। फिर आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, हमारी भी मजबूरी बनेगी और हम भी फिर मजबूती के साथ फैसला लेंगे। हमने अपने फोरम के तमाम साथियों से बात कर ली है, फोरम के साथियों ने भी ये संदेश डाल दिया है और मेरी किसान भाइयों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि पहले से भी दुगुनी ताकत लगा के आप लोगों को कल 10 बजे उचाणा की नई अनाज मंडी, अतिरिक्त अनाज मंडी में पहुंचना है। अपनी गाड़ियों में जो जो आपने साधन कर रखे हैं, उन साधनों के साथ आपको आना है। कार्यक्रम हमें शांतिपूर्ण रखना है, हमारी जिम्मेदारी बनती है हम अनुशासन में रहें, हम शांति के साथ रहें, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएंगे और आपको अधिक से अधिक संख्या में पूरी ताकत के साथ पहुंचना है। अगर अब हम पीछे हट गए साथियों, अगर अब हम कमजोर पड़ गए, तो फिर तो ये अपनी पूरी तरीके से तानाशाही पे उतराएंगे, मतलब ये किसानों को पंचायत भी नहीं करने दे रहे। तो इनकी तानाशाही को तोड़ना, इनकी तानाशाही को खत्म करना अभी बहुत जरूरी है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कल सारे साथी अधिक से अधिक संख्या में 10 बजे शांतिपूर्ण तरीके से अनुशासन में रह के उचाणा की नई अनाज मंडी में पहुंचे। इस तरीके की तानाशाही कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी और हम प्रशासन से भी ये बात कहना चाहते हैं कि इस गैर जरूरी टकराव से वो बचें। हम खुद किसी तरह का टकराव नहीं चाहते, हमारी 6 घंटे की हमारा कार्यक्रम है, उसमें इस तरीके से किसी को, साउंड वाले को, किसी को टेंट वाले को ना धमकाया जाए और आराम से किसानों को पंचायत करने दी जाए। अन्यथा फिर जैसा हमारे फोरम ने कहा, फिर हम मजबूत फैसला लेंगे, स्ट्रिक्ट फैसला लेंगे, चाहे उसके लिए गर्दन कटानी पड़े, मजबूती से वो फैसले लागू किए जाएंगे और हमारी भी मजबूरी बनेगी फिर बीजेपी के हर कार्यक्रम का विरोध करना। बहुत बहुत धन्यवाद।